नमस्ते जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं चिड़िया के बारे में आपको बताती रहूँगी। तो जो चिड़िया के बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो ये आप देखना वीडियो में, जो आज बाहर निकले थे वो उसमें से घोंसले में से थोड़ा सा उड़ उड़ के, मतलब बहुत सुबह 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 अंधेरे का टाइम था जब वो निकल निकल के आ रहे थे। तो दिल निकलने के बाद में थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं, क्योंकि कौओं की नज़र पड़ गई थी उन पर। तो मैंने अपनी बेटी को झाड़ू लेके खड़ा कर दिया था, तो ये डंडा झाड़ू लेके खड़ी हो गई थी कौओं को भगाने के लिए। तो आप अब आगे वीडियो में देखना कि चिड़िया के बच्चे उड़े के नहीं उड़े, ठीक है। गाइस, आज इसके बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं, उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौओं का डर लग रहा है। कौए बार बार आ रहे हैं, बच्चे घोंसले में से बाहर निकल निकल के आ रहे हैं। अभी देखा ना आपने, अंदर गई। इसकी वजह से हमने मशीन और ये कुर्सी लगा दी ताकि कौए देखे ना, लेकिन वो छोटे छोटे से तो इधर उधर से निकल के आ रहे हैं। तो गाइस, लगता है ये चिड़िया लेके जा रही है शायद अपने बच्चों को। बच्चे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और एक ये रहा, ये देखो, और एक ये ऊपर झाड़ू के पास बैठ गया छोटा सा। अब ये अंदर थोड़ी रहेंगे, अब ये तो बाहर निकलेंगे। ये किधर को है, ये नीचे आ गया था, इसको अंदर करा मैंने। तो गाइस, आपको चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे कैसे लगे, आप ये बात कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हमें तो छोटे छोटे से चिड़िया के बच्चे बहुत ही प्यारे लगे। जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में कि चिड़िया के बच्चे उड़ गए सही सलामत, ही अपने सही से उड़ गए। तो इस बात की खुशी भी है हमें कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ और वो उड़ गए। लेकिन अब घोंसला खाली खाली सा हो गया, तो खाली भी लग रहा है हमें, क्योंकि उनको हमें देखने की आदत हो गई थी इस वजह से। तो फिर भी हमने इसका घोंसला हटाया नहीं, अभी इसके अंदर ये, वैसे हमने यहाँ से उधर से हमने वापस यहाँ पे लाके लगा दिया इसको।
वापस इधर अपनी जगह पे, लेकिन घोंसला वही है, घोंसला हमने हटाया नहीं। कैसे तो आपको चिड़िया के बच्चे कैसे लगे कमेंट्स में आप ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।